गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट 5 को कवर करेंगे। जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम बैंकिंग अवेयरनेस के आज टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ऋणदाता के ने हाइब्रिड एन्युटी ट्रिपल पी मॉडल के तहत वाराणसी में निर्माण करने के लिए पहले सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान यानी कि एसटीपी को निधि देने के लिए 156 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, यस बैंक, एक सही आंसर है। आइए यस बैंक के बारे में जानते हैं। तो यस बैंक का जो कॉरपोरेट हेड। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने घरेलू और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई के विदेशी मुद्रा बांड कार्यक्रमों पर रेटिंग की पुष्टि की है। तो एसबीआई के मौजूदा अध्यक्ष कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य, राकेश सेट्टी, सुनील मेहता और उषा अंत सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रजनीश कुमार एक सही आंसर है। अरुंधति भट्टाचार्य जो थी वो रजनीश कुमार से पहले जो थी वो अध्यक्ष थी, अभी ये रजनीश कुमार है। आइए रजनीश कुमार के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। रजनीश कुमार को क्रेडिट प्रोडक्ट, फाइनेंस, फॉरेक्स, रिटेल बैंकिंग के फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता है। एसबीआई के नए चेयरमैन के तौर पर इनके लिए बैंक की एसेट क्वालिटी को सुधारने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो एसबीआई का है वो एनपीएल लगातार बढ़ रहा है। और रजनीश कुमार इससे पहले एसबीआई के मर्चेंट बैंकिंग विभाग के साथ साथ कैपिटल मार्केट विभाग के हेड के तौर पर भी काम कर चुके हैं और इन्हें बैंकिंग की वास्तविक दिक्कतों के बारे में अच्छी जानकारी है। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने इस वर्ष अब तक 75% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ पहली तिमाही में 6 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो हमारे पास ऑप्शन है विप्रो लिमिटेड, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक सही आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में और इसके मालिक के बारे में जानने की कुछ कोशिश करते हैं कि देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश ने 42.1 अरब डॉलर, लगभग 2,73,650 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ चीन के हुई यांग को पिछाड़ा है। बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में 1.22% की बढ़ोतरी हुई और ये 952.30 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। इससे ये 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। वहीं मुकेश की निजी संपत्ति 46.60 करोड़ डॉलर यानी कि 3029 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। आइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार 2017-18 की वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि की वृद्धि का अनुमान 2017 अनुमानित 7.3% के मुकाबले कितने परसेंट रह गई है? तो हमारे पास ऑप्शन है 7.1%, 6.6%, 6.9%, 6.8%, 6.7%। हमारा ऑप्शन नंबर ई 6.7% एक सही आंसर है। आइए जीबीए और जीडीपी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जीबीए का फुल फॉर्म होता है क्रॉस वैल्यू एडेड। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जीबीए से किसी इकोनॉमिक में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। इससे पता चलता है कि तय पीरियड में इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम निकलने के बाद कितने रुपए के सामान और सर्विस का उत्पादन हुआ। इससे ये भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। और जीडीपी जो होता है वो कंज्यूमर बेसिस होती है। कंज्यूमर के नज़रिए से आर्थिक उत्पादन के बारे में पता चलता है। इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी खर्च और नेट फॉरेन ट्रेड यानी कि आपका निर्यात और आयात का फर्क शामिल होता है। दोनों में वैसे कुल मिला के ये फ़र्क होता है कि जीवीए से प्रोड्यूसर यानी कि सप्लाई साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है, जबकि जीडीपी में डिमांड या कंज्यूमर साइड की तस्वीर दिखाई देती है। जरूरी नहीं कि दोनों के आंकड़े एक से हों, क्योंकि इन दोनों
दोस्तों आज का हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो जीएसटी समिति ने जीएसटी के दरों को सूखे आमों, खगरा, सादी चपाती, बिना ब्रांड वाली नमक, बिना ब्रांड वाली आयुर्वेदिक दवाइयों और कागज़ के अपशिष्टों पर 12% से कम करके कितना परसेंट जो उसका टैक्स लिया है वो कर दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन है 6%, 5%, 8%, 9% एंड 7%। ऑप्शन नंबर बी 5% एक सही आंसर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जीएसटी के जो रेट हैं वो 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है, 28% भी है। तो जो जीएसटी काउंसिल ने बड़ी राहत देते हुए 211 आइटम्स पर टैक्स लेवी में कमी की है। अरुण जेटली जी जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 178 आइटम्स को 28% से 18% के टैक्स लेवी में ले आए। इस प्रकार अब 28% के स्लैब में सिर्फ 50 आइटम ही रह गई हैं। इसके अलावा अन्य टैक्स रेटों में भी कमी आई है। अभी जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जो भी खाना खाने जाओगे वो 5% के स्लैब रेट पे आ गया है, जिससे कि अब घर से बाहर खाना जो है वो सस्ता हो गया है। दोस्तों आज का हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है, चालू वित्त वर्ष यानी कि 2017-18 में आरबीआई ने दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NRLM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG को डैश पर निधि प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 6%, 5%, 9%, 8% एंड 7%। तो ऑप्शन नंबर ई 7% के हिसाब से उनको ग्रांट दी जाएगी। अभी NRLM के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आजीविका NRLM ने स्वयं सहायता समूह तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 डिस्ट्रिक्ट, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों के 7 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों यानी कि BPL को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया हुआ है। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आधार संशोधन नियम 2017 धन शोधन निवाकरण रिकॉर्ड्स का रखरखाव के तहत बैंक खाते में आधार को जोड़ना अनिवार्य है। PMLA के तहत अधिसूचित नियमों को कब से प्रभावी ढंग से लागू किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है 1 जुलाई 2007, 1 जुलाई 2006, 1 जुलाई 2008, 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2002। तो ऑप्शन नंबर डी एक सही आंसर है, 1 जुलाई 2005। आइए PMLA के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो PMLA होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आपराधिक गतिविधियों में विपणन से की गई परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए उनकी जांच करना, उन संपत्तियों को अंतरिम रूप से जब्त करना, कुरुक करना और धन शोधन में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए अधिकारियों को अधिकार देने वाली एक आपराधिक विधि है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ये सब कुछ काम होता है, लेकिन अब ये बैंकों में भी लागू हो गया है 1 जुलाई 2005 से। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का 8th क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB ने अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डैश को नियुक्त किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है मनोज कुमार, राकेश पाहवा, सुरेश सेठी, AP सिंह या दिए गए विकल्पों में कोई भी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सुरेश सेठी एक सही आंसर है। आइए IPPB के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB देश के सभी 1,55,000 जो डाकघर हैं उन पे भुगतान बैंक की सुविधा देगा और वित्तीय सेवाओं की पेशकश भी करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बैंक एक व्यक्ति या फिर एक कारोबारी इकाई से 1,00,000 रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है। बैंक छोटी राशि को जमा करेगा और उसे ट्रांसफ़र भी करेगा।
बैंक इंटरनेट सेवाएं और कुछ विशेष सेवाएं। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने अपने हैकथॉन के दूसरे संस्करण को डिजिटाइजर ऑफ बैंक के रूप में नामित किया है। ये हैकथॉन 1 से 12 नवंबर 2017 तक आयोजित किया जाएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तुम्हारे ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक एक सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, अपने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस फॉल यानी कि 2017 में विश्व बैंक ने 2017-18 के लिए अनुमानित GDP विकास दर डैश को 7.2% से कम कर दिया। तो हमारे पास ऑप्शन है 7.0%, 7.3%, 6.9%, 6.7%, 7.1%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 7.0% एक सही आंसर है। आइए कुछ जो पीछे क्वार्टर में हुआ था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन द जून क्वार्टर ऑफ 2017-18 द इंडियन इकॉनमी डिक्लेयर्ड टू 5.7% लोएस्ट सिंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एट 5.3% इन द मार्च क्वार्टर ऑफ 2013-14। इन इट्स साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस फॉर 2017 द वर्ल्ड बैंक रिड्यूस द इंडियन GDP ग्रोथ फोकास्ट टू 7% फॉर 2017-18 फ्रॉम 7.2% एस्टिमेटेड अर्लियर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 11th क्वेश्चन है, डैश ने मोबीविक के साथ मिलकर एक सब ब्रांडेड वॉलेट इंस्टेंट मोबीविक की शुभारंभ किया हुआ था, जो अपने ग्राहकों को अपने खातों का उपयोग करके डायरेक्ट डेबिट फीचर के साथ मोबीविक नेटवर्क्स पर भुगतान करने की अनुमति देता है। तुम्हारे पास ऑप्शन है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंस्टेंट बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी इंस्टेंट बैंक एक सही आंसर है। आइए इंस्टेंट बैंक के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हेडक्वार्टर्स है इंस्टेंट बैंक का मुंबई में, MD और CEO है रोमेश सोबटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 12th क्वेश्चन है, भारत की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग यानी कि EEPC ने SME और मर्चेंट निर्यातकों को वित्त पोषण के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक एंड बंधन बैंक। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब नेशनल बैंक एक सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा 13th क्वेश्चन है, एक नई विश्व भुगतान रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार और NPCI की पहल से 2016 से 2020 तक गैर नगद लेन देन में 26.2% की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ेगी। तो NPCI में पी शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारे पास ऑप्शन है पोल्यूशन, पैसेस, परचेज, प्रोडक्ट एंड पेमेंट। तो ऑप्शन नंबर ई पेमेंट एक सही आंसर है। तो NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी रिटेल पेमेंट सिस्टम में कहा जाता है, और NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये 2008 में बना हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए भारत सरकार ने 2 वर्षों में डैश के आवंटन की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है 17.34 लाख करोड़ रुपये, 34.18 लाख करोड़ रुपये, 2.11 लाख करोड़ रुपये, 5.23 लाख करोड़ रुपये, 10.17 लाख करोड़। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एक सही आंसर है, 2.11 लाख करोड़ रुपये। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर में लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी कि LEI अनिवार्य करने के बाद विदेशी मुद्रा और क्रेडिट वित्तपन बाजार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डैश से अधिक कुल फंड आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर वाली कंपनी के लिए LEI अनिवार्य करने का निर्णय लिया हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन है 5 करोड़ रुपया,
10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ और 25 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़ एक सही आंसर है। आइए कुछ और जानते हैं। आरबीआई ने जो 5 करोड़ रुपये से अधिक की निधि निर्धारित या गैर निधि आधारित तो एक्सपोजर वाली कंपनियों को एक LEI कोड जो है उसके लिए अनिवार्य कर दिया है। LEI में एक 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसे कॉरपोरेट उधारकर्ताओं को दिया जाएगा, यानी कि बैंकों को दिया जाएगा। अब ये जो 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा उसमें उस कंपनी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन होगी कि उस कंपनी ने किस बैंक से लोन लिया हुआ है। और जब ये कंपनी, नई कंपनी जो किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाएगी, तो उसके हर एक लोन की डिटेल उस बैंक को पता लग जाएगी, जिससे कि वो बैंक जो है वो लोन अप्रूव भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि उसके पास्ट वाले लोन की हर एक डिटेल उस 20 कोड में दी हुई होगी, जिसे LEI। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बाकी वाले पार्ट्स की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के लिंक दे रहा हूँ। और कल हम बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड पार्ट 6 को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।